नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं गोस्ट राइडर का एपिसोड 17। ये एपिसोड हमारे गोस्ट राइडर वुल्वरिन वेपन ऑफ वेंजेंस के बाद शुरू होता है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो यह पिछले इशू में आपने देखा कि ब्रायन नाम की लड़की के साथ कुछ अजीब हो रहा है क्योंकि उसके अंदर एक डिमोनिक बेयर है जो बाहर आता है और लोगों को मारता है, और उसने एक्समैन पर अटैक करके उन सबको इंजर्ड कर दिया था। इसलिए वुल्वरिन उस बियर को मारने निकला है, तो वही गोस्ट राइडर भी उसके पीछे है। अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो स्टेडियम के बाहर खड़ा था और टिकट्स बेच रहा था। तभी वहाँ एक आदमी आता है जिसने हुड पहना हुआ था। तभी वो टिकट बेचने वाला उस आदमी को देखता है और पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए, जिस पर वो शख्स कहता है कि मुझे म्यूटेंट चाहिए। ये कहते हैं वो आदमी उस टिकट वाले का हाथ पकड़ता है, जिसके कारण उस टिकट वाले का हाथ जलने लगता है और वो जोर से चिल्लाने लगता है। तभी वो टिकट वाला उस शख्स से कहता है कि तुम्हें जो चाहिए वो ले लो, लेकिन मुझे छोड़ दो। ये कहते ही वो शख्स उस टिकट वाले को छोड़कर वहाँ से स्टेडियम के अंदर चला जाता है। तभी वो आदमी बायनोकुलर निकालता है और देखने लगता है। ये बायनोकुलर कोई आम बायनोकुलर नहीं है, इसके जरिए ये पता कर सकते हैं कि कौन म्यूटेंट है। तभी वो आदमी देखने लगता है कि उस स्टेडियम में कौन म्यूटेंट है, और तब उसे वहाँ पर एक म्यूटेंट दिखाई देता है। तभी वो म्यूटेंट वहाँ से उठकर वॉशरूम में चला जाता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके पीछे वही हुड वाला आदमी था। तभी वो हुड वाला आदमी उस म्यूटेंट के पीछे वॉशरूम में आ जाता है, लेकिन उस म्यूटेंट को अंदाजा हो जाता है कि उसके पीछे कोई है। इसलिए वो मुड़ता है और देखता है कि वो हुड वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि वो डिमोनिक बियर है, और ये देखकर वो म्यूटेंट डर जाता है और जोर से चिल्लाता है। फिर स्टोरी कुछ दिन पीछे जाती है जहाँ हम जॉनी ब्लेस और लोगन को देखते हैं जो किसी जगह पर आए हुए थे। यहाँ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जब इवेंट चल रहा था तब प्रकोआ पे बहुत बड़ी तबाही हो चुकी है, जिस इवेंट का नाम है फॉल ऑफ एक्स, और वो मैं जल्दी कवर करूंगा। उस इवेंट में वुल्वरिन का कोई पता नहीं है क्योंकि वुल्वरिन यहाँ पर है। अगेन स्टोरी पे आते हैं, तभी हमें जॉनी ब्लेस की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि अभी कोई म्यूटेंट नहीं है, जो बचे है वो बहुत कम है। कुछ म्यूटेंट एरा को चले गए हैं तो कुछ मार्स पर, क्योंकि यहाँ ऑर्कस नाम की संस्था है जिसने म्यूटेंट्स को खत्म करने का जिम्मा उठाया है, और उन्होंने ऑलमोस्ट सारे म्यूटेंट को खत्म कर दिया है। पर यहाँ ऐसे भी म्यूटेंट्स है जो छुप कर बैठे हैं, जैसे कि वुल्वरिन। तभी जॉनी और लोगन वहाँ झाड़ियों में छुप कर देखने लगते हैं, और तब वे दोनों देखते हैं कि वहाँ पर भी लोगों को मिलाकर फिर से मॉन्स्टर वाला पेड़ बनाया गया था। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर फॉरेंसिक टीम आई हुई थी और टीम ये जांच कर रही थी, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी लोगन वहाँ स्मेल करता है और जॉनी से कहता है कि इनका खून सूख चुका है, यानी कि ये 3 दिन पुराना है। जिस पर जॉनी लोगन से कहता है कि हम हमेशा लेट होते हैं, ये अब तक का 5वां मर्डर है और हमें वेट करना होगा कि कॉप्स इसे कभी सॉल्व करेंगे या फिर हमें खुद ही इस केस की जड़ तक जाना होगा। तभी वो फॉरेंसिक ऑफिसर कहता है कि हमें यहाँ कोई सबूत नहीं मिल रहे हैं। तभी ये देखकर लोगन जॉनी से कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है। ये कहते ही हम देखते हैं कि वो फॉरेंसिक वाले उस बॉडी को एक वैन में डाल के ले जाने लगते हैं, और तब लोगन और जॉनी उनका पीछा करने लगते हैं। यहाँ दूसरी तरफ हम उस म्यूटेंट को देखते हैं जिसे भी मॉन्स्टर पेड़ की तरह बनाया गया था। तभी वहाँ आया हुआ पुलिस ऑफिसर अपनी टीम से पूछता है कि मेरी फॉरेंसिक टीम कहाँ पर है, लेकिन तभी वहाँ दो फॉरेंसिक एक्सपर्ट आ जाते हैं और उस ऑफिसर से कहते हैं कि माफ करना, हमें यहाँ आने में देर हो गई। तभी वो ऑफिसर उन दोनों को वहाँ छोड़कर बाहर चला जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट कोई और नहीं बल्कि जॉनी ब्लेस और लोगन थे। तभी जॉनी लोगन से कहता है कि जल्दी से हमें ये बॉडी बंद करके ले जानी होगी, नहीं तो असली फॉरेंसिक टीम यहाँ आ जाएगी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लोगन उस म्यूटेंट की बॉडी की जांच करने लगता है, तो वही जॉनी के साथ कुछ होने लगता है और वो कहने लगता है कि नहीं, अब नहीं। ये कहते ही जॉनी मिरर में देखता है जहाँ उसे घोस्ट राइडर नजर आने लगता है। तभी जॉनी लोगन से कहता है कि राइडर बाहर आना चाहता है क्योंकि यहाँ पर किसी मासूम का खून गिरा है। ये कहते ही जॉनी अपना मुंह धोने लगता है। फिर से शिफ्ट होती है
और हम जॉनी ब्लेस और लोगन को देखते हैं जो एक जगह पर उस म्यूटेंट की बॉडी लेकर आए थे। तभी हमें जॉनी ब्लेस की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि CIA में लोगन के कुछ कॉन्टेक्ट्स हैं और आज हमारे एक काम आएंगे। यह है जेफ बैनिस्टर और ये आदमी इस बॉडी की ऑटोप्सी करेगा। तभी जेफ लोगन से पूछता है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, जिस पर लोगन जेफ से कहता है कि तुमने अपनी लाइफ इस फील्ड में बिताई है तो बस इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तभी लोगन कहता है कि ये किसी तरह का सिम्बोलॉजी लग रहा है, जिस पर जॉनी कहता है कि हो सकता है ये डीमोनलॉजी हो। तभी जॉनी जेफ से पूछता है कि तुम्हारे पास डिजिटल लाइब्रेरी का एक्सेस है, जिस पर जेफ हाँ कहता है। तभी डिजिटल लाइब्रेरी को एक्सेस करते हुए जॉनी कहता है कि तुम्हें ब्लड स्क्रोल और ब्लैक वर्ड्स को एक्सेस करना होगा और देखना होगा कि ये निक्रोनॉमिकॉन से मिलता है या नहीं। लेकिन तभी वो सारे डिजिटल कोड्स को देखते हुए जेफ कहता है डैमनेशन। ये सुनते ही जॉनी को कुछ होने लगता है और अगले ही पल जॉनी के अंदर से घोस्ट राइडर बाहर आने लगता है। फिर स्टोरी पास्ट में वहीं पर आ जाती है जहां पर पिछले एपिसोड में रुकी थी और हम घोस्ट राइडर को वुल्वरिन से लड़ते हुए देखते हैं। तभी घोस्ट राइडर वुल्वरिन को अपनी चेन से ऊपर फेंकता है और कहता है कि तुम्हें मारने में मुझे बड़ा मजा आएगा, लेकिन तुम में वो इविल नहीं है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। लेकिन तभी वुल्वरिन घोस्ट राइडर की चेन तोड़ देता है और कहता है कि तुम प्रोफेसर एक्स और उनकी फैमिली को इविल मानते हो। लेकिन तभी घोस्ट राइडर अपने मुंह से हेलफायर निकालता है और लोगन पे मारता है, लेकिन वुल्वरिन उस हेलफायर से खुद को बचा लेता है। तभी वुल्वरिन फिर से अपनी क्लॉस निकालता है और घोस्ट राइडर पे अटैक करता है और कहता है कि आज मैं तुम्हें सबक सिखा के रहूंगा। यह कहते ही वुल्वरिन अपने क्लॉस से घोस्ट राइडर का पेट फाड़ देता है। तब यह देखकर घोस्ट राइडर लोगन से कहता है कि तुम जो कोई भी हो, मुझे ये पसंद नहीं है। ये किलर जो कोई है ये मेरे जैसा है। यह सुनते ही वुल्वरिन घोस्ट राइडर से कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो, जिस पर घोस्ट राइडर वुल्वरिन से कहता है कि तुम और मैं एक ही दुश्मन का पीछा कर रहे हैं। यह कहते ही घोस्ट राइडर वुल्वरिन को धक्का मारता है। तभी वुल्वरिन घोस्ट राइडर से पूछता है कि तुम कौन हो। लेकिन तभी जॉनी ब्लेस बाहर आता है और वहां से जाने लगता है। तभी वुल्वरिन जॉनी से पूछता है कि तुम आखिर कौन हो, जिस पर जॉनी ब्लेस वुल्वरिन से कहता है कि मेरा नाम जॉनी ब्लेस है और मैं घोस्ट राइडर हूँ। तभी वुल्वरिन जॉनी से पूछता है कि वो कहाँ गया, जिस पर जॉनी कहता है पता नहीं वो कहाँ गया। जिस पर लोगन जॉनी से कहता है कि मैं तो यहाँ उस डिमोनिक पेड़ को ढूंढ रहा था। जिस पर जॉनी लोगन से कहता है कि तुम बहुत लेट हो चुके हो, वो यहाँ से जा चुका है। जिस पर लोगन कहता है कि तुम्हें कैसे पता वो यहाँ से जा चुका है। जिस पर जॉनी कहता है कि वो इसलिए क्योंकि वो मेरा हिस्सा है और जब जरूरत होती है तब वो बाहर आता है। तो वही दूसरी तरफ हम एडा फ्लोर्स को देखते हैं जो ब्रेम को लेकर जा रही थी। फिर स्टोरी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर हम लोगन और जॉनी को देखते हैं जो निविया का आए थे। तभी वे दोनों एक आदमी के पास आते हैं और तब वो आदमी इन दोनों को देखकर कहता है कि तुम अगर हेल्थ डिपार्टमेंट से हो तो मैं तुम लोगों को पहले ही बता देता हूँ कि मैं इन चूहों का कुछ नहीं कर सकता हूँ। जिस पर लोगन उस आदमी से कहता है कि हम यहाँ तुम्हारे चूहे को पकड़ने नहीं आए हैं, हम तो यहाँ कुछ और ही काम से आए हैं और वो काम है ऑर्गन मर्डर्स। ये कहते ही वो आदमी लोगन और जॉनी से कहता है कि तुम रिपोर्टर्स हो ना, यहाँ से दफा हो जाओ। लेकिन तभी जॉनी को फिर से कुछ होने लगता है और वो वहां से दूर जाने लगता है। या लोगन उस आदमी से कहता है कि देखो मेरा टेम्पर बहुत बुरा है तो तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम मुझे गुस्सा मत दिलाओ, हम यहाँ सिर्फ बात करने आए हैं। यहाँ जॉनी चलते हुए एक डोर के पास आता है और तब घोस्ट राइडर जॉनी से कहता है कि इस दरवाजे को खोलो। जिस पर जॉनी घोस्ट राइडर से कहता है कि हम यहाँ ये नहीं करने आए हैं। यहाँ वो आदमी लोगन से कहता है कि मेरा उन मर्डर से कोई लेना देना नहीं है। जिस पर लोगन उस आदमी से कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ। यहाँ जॉनी वो डोर तोड़ देता है और अंदर घुस जाता है। इधर लोगन उस आदमी से पूछता है कि यहाँ एक लड़का रहा करता था ब्रैन नाम का, क्या तुम उसे जानते हो। लेकिन तभी वो आदमी देखता है कि जॉनी उस कमरे में घुस चुका था। यहाँ जॉनी देखता है कि उस कमरे में एक बच्चा था और ये देखकर जॉनी उस बच्चे से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। ये कहते ही जॉनी उस बच्चे को बाहर लाता है। तब ये देखकर वो आदमी लोगन से कहता है कि तुम यह क्या कर रहे हो। जिस पर वो बच्चा जॉनी से कहता है कि इस आदमी ने मुझे बंद करके रखा था। यह सुनते ही जॉनी को कुछ होने लगता है और ये देखकर जॉनी उस बच्चे से कहता है कि यहाँ से जितना दूर हो सके उतना दूर भाग जाओ।
यह कहते ही जॉनी के अंदर से घोस्ट राइडर बाहर आ जाता है और ये देखकर वो बच्चा वहां से भागने लगता है। तभी लोगन उस आदमी से कहता है कि मैंने कहा था कि मेरा गुस्सा बहुत बेकार है, लेकिन ये तो मुझसे भी बुरा है। ये कहते ही घोस्ट राइडर अपने चेन से उस आदमी को बांध देता है और उसे ऊपर दीवार पे लटकाता है। तभी ये देखकर लोगन घोस्ट राइडर से कहता है कि मैं हमेशा मारने में भरोसा रखता हूँ, लेकिन अभी के लिए इसे जिंदा रहना होगा ताकि हमें जानकारी मिल सके। जिस पर घोस्ट राइडर लोगन से कहता है कि अगर तुम्हें जानकारी चाहिए तो ये जानकारी मेरे पेनिस्टर से तुम्हें मिल जाएगी। ये कहते ही घोस्ट राइडर उस आदमी से कहता है कि मेरी आंखों में देखो, और तब वो आदमी घोस्ट राइडर की आंखों में देखता है और कहता है कि कुछ महीनों पहले यहाँ एक आदमी आया था और कुछ सवाल पूछ रहा था, और फिर वे लोग ब्रायन को अपने साथ ले गए। ये सुनते ही घोस्ट राइडर उस आदमी को छोड़ देता है और लोगन से कहता है कि मेरे पास इस आदमी की मेमोरी है और अब तुम ही वो मेमोरी देख लो। ये कहते ही घोस्ट राइडर उस आदमी की मेमोरी लोगन को दिखाता है। तभी लोगन देखता है कि ब्रायन जहाँ कहीं गया है वहाँ उसने तबाही फैलाई थी। तभी लोगन घोस्ट राइडर से कहता है कि अगली बार से सिर्फ मुझे बता देना, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। जिस पर घोस्ट राइडर लोगन से कहता है कि जिस आदमी ने ये जानकारी मिटा दी है वो गवर्नमेंट के लिए काम करता है और उसके पास फेडरल वारंट है। जिस पर लोगन घोस्ट राइडर से पूछता है कि ये आदमी किस डिपार्टमेंट से है। जिस पर घोस्ट राइडर लोगन से कहता है कि इस आदमी का जो एड्रेस है उससे तुम भी फेमिलियर हो, और वो जगह है हेल बैकबोन जहां हमने रेस की थी, याद है ना। ये कहते हैं घोस्ट राइडर और वुल्वरिन हेल बैकबोन के लिए निकलते हैं। तो वही हम हेल बैकबोन देखते हैं जहां पर वेपन प्लस प्रोग्राम चल रहा था और वहां पर काफी सारे गार्ड्स हैं, और इसी के साथ ये इशू यही कंटिन्यू होता है और इसके आगे की कहानी हमें वुल्वरिन के इशू नंबर 36 में पता चल जाएगी।